आर्थिक तौर पर दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाला अमेरिका इन दिनों बैंकिंग संकट से गुजर रहा है। अमेरिका के बैंकों पर एक के बाद एक कर ताले लटक रहे हैं और इसी कड़ी में पहले सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लटका तो अब अमेरिका के एक और क्षेत्रीय बैंक पर दिवालिया का खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बता दें, सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था, लिहाजा क्रिप्टो करेंसी में जोखिम को देखते हुए इस बैंक को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा बैंक है जिसे बंद कर दिया गया है। वहीं जानकारों की माने तो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक का असर अमेरिका के दूसरे बैंकों पर ना पड़े, इसे देखते हुए आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। खबर तो ये भी है कि बैंकिंग क्राइसिस से निपटने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और फेडरल रिजर्व कई प्लान तैयार कर रहे हैं। उधर सिग्नेचर बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इस बैंक पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। साल 2022 में बैंक के पास 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन हाल ही में क्रिप्टो करेंसी स्टॉक की स्थिति को देखते हुए बैंक को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। विश्लेषकों की माने तो अमेरिकी बैंकों पर ताला लगने की खबरों से भारत की भी मुश्किल बढ़नी तय है, क्योंकि भारत के कई स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश है। उधर अमेरिकी बैंकों के डूबने की खबरों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बैंकों के खाता धारकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़े बैंकों की निगरानी और रेगुलेशन को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के दो बैंकों में ताला लगने से दुनिया भर की निगाहें अमेरिका पर टिक गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।